अगर दोस्तों आप लोग अपने चैनल पे लगातार शॉर्ट वीडियो डाल के थक चुके हो, लेकिन आपके चैनल पे कोई भी शॉर्ट वीडियो अगर वायरल नहीं हो रहा है ना दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। दोस्तों अभी के टाइम पे YouTube का जो एल्गोरिथम है वो चेंज हो चुका है। अभी कैसे आपका वीडियो वायरल होगा, स्क्रीन पे सबसे पहले प्रूफ देख लीजिए। मैं इस शॉर्ट वीडियो को जैसे अपलोड किया था ना, अपलोड करते ही मेरा ये वाला शॉर्ट वीडियो वायरल हो चुका था। अभी इस शॉर्ट वीडियो में 35 दिन हो रहा, 35 दिन में इस वीडियो पे 4 मिलियन व्यू आ गया है। अब आप लोग सोच रहे होगा ना कि मैं इस वीडियो पे 4 मिलियन व्यू कैसे लेके आ गया, ये तो छोड़ो अभी और यहाँ पर प्रूफ देखो। अभी इस वीडियो में देखो 40 दिन हो गया है और 40 दिन में इस वीडियो पे 6.9 मिलियन व्यू आ गया है। मतलब कि देखो इस वीडियो का जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है ना, वैसे इस वीडियो का स्पीड है वो बढ़ता जा रहा है। देखो इस वीडियो को रिफ्रेश कर रहे हैं, लगातार व्यूज बढ़ते जा रहा है। जितना रिफ्रेश कर रहे हैं उतना ज्यादा इस वीडियो पे व्यूज आते जा रहा है। अब दोस्तों अगर इस तरीके से आपका कोई भी शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं हुआ है ना, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार जरूर से देख लेना, और इस वीडियो को देखने बाद आपका वीडियो को 100% में वायरल करवा करूंगा। कैसे वायरल करना है ध्यान से देख लो, यहां से मैं कट कर लिया हूं। कट करने बाद यूट्यूब को ऑन कर लिया हूं। अब यहां पर सर्च पे आ जाते हैं, ध्यान समझिएगा। सर्च पे आके यहां पर लिखते हैं शॉर्ट्स। आप लोग हैशटैग शॉर्ट को अपने वीडियो में जरूर यूज करते होंगे, लेकिन दोस्तों इस जगह पे आपका वीडियो नहीं पहुंच रहा है। अगर नहीं पहुंच रहा तो आप लोग अपने वीडियो को वायरल नहीं कर पाओगे। देखो शॉर्ट्स पे हम यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पे देखो 65 मिलियन व्यू, 84 मिलियन व्यू, 252 मिलियन व्यू, कितना है 252 मिलियन व्यू। देखो 208 मिलियन व्यू, 195 मिलियन, 85 मिलियन, देखो 109 मिलियन, 49 मिलियन, 410 मिलियन, कितना व्यू है 410 मिलियन। यहाँ पर आपको जितना भी लाइन से वीडियो दिखाई दे रहा है ना, देखो 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन, 1000 मिलियन तक आपको व्यू यहाँ पर दिखाई देगा। अब दोस्तों आपके वीडियो को तो 1 मिलियन व्यू नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप लोग अपने वीडियो को अपलोड तो सही तरीके से कर रहे हो, लेकिन अपलोड करते समय जो इंपॉर्टेंट ट्रिक होता है ना उसको यूज नहीं कर पा रहे हो। यूट्यूब का एल्गोरिथम चेंज हो गया, अभी नए तरीके से आपका वीडियो वायरल होगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, और इस वीडियो को देखने बाद आपके शॉर्ट वीडियो को मैं वायरल करवा के रहूंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर विनर देखते हैं। तो भैया जी विनर है, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप भी चाहते हो अपने चैनल को प्रमोट करवाना, तो रोज हमारे चैनल वीडियो आता है, वीडियो को लाइक करके उस वीडियो के अंदर प्यारा कमेंट कर लेना। अगर नेक्स्ट दिन आप भी विनर बन जाओगे, आपका भी चैनल प्रमोट कर दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्क्रीन पे YouTube को ऑन कर दिया, अभी आपके सामने एक शॉर्ट वीडियो को अपलोड करेंगे और उस वीडियो को आपके सामने ही वायरल करके दिखाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग बस एक गलती मत करिएगा। आप लोग क्या करते हो, YouTube को ऑन करते हो, प्लस आइकन में क्लिक करके क्रिएट ए शॉर्ट से या तो अपलोड ए वीडियो से, ये दोनों ऑप्शन में कहीं ना कहीं से आप लोग अपने शॉर्ट वीडियो को अपलोड कर रहे हो, लेकिन यहां से आपका वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। दोस्तों जो नया तरीका आपको बता रहा ना, उस तरीके से आप लोग एक बार वीडियो को अपलोड करके देखो, एक या दो वीडियो अपलोड करके देखो, वो दोनों वीडियो में एक ना एक वीडियो आपका 100% गारंटी साथ बोला हूं कि 100% आपका वीडियो वायरल हो जाने वाला है। कैसे वायरल करोगे ये मैं नहीं बताऊंगा, यूट्यूब खुद बता रहा है, कैसे आपको दिखा देते हैं। देखो यहां पर मेरे को यूट्यूब की तरफ से एक मेल आया हुआ, देखो यहां पर यूट्यूब लिख के आ रहा है, यूट्यूब ने इस मेल को भेजा है। इस मेल में यूट्यूब ने बताया कि शॉर्ट वीडियो को वायरल कैसे किया जाता है। ध्यान से देखो, यहां पर देखो इस ट्रिक को अगर लगा हुए ना, तो यहां पर देखो व्यूज किस तरीके से आ रहा है, 1.6 मिलियन, यहां पर थोड़ा सा और नीचे आओगे 580 मिलियन। इस तरीके से लोगों के वीडियो व्यूज आ रहा है, यूट्यूब यहां पर दिखा रहा है। और यहां पर ट्रिक क्या बताया ये चीज समझ लीजिए, यहां पर बोल रहा है कि अगर आपको अपने वीडियो को अपलोड करना है ना, तो यहां पर फाइंड शॉर्ट वीडियो करना पड़ेगा। मतलब कि आपको शॉर्ट वीडियो को फाइंड करना पड़ेगा और वहां से आपको अपने वीडियो को अपलोड करना होगा। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि वीडियो को फाइंड करके कैसे अपने वीडियो को वायरल करना है, चलो आपको मैं दिखाता हूं। आपको क्या करना है, आपको आ जाना यूट्यूब पर। यूट्यूब पर जैसे ही आ जाओगे, यहां पर साइड में एक्सप्लोर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर बहुत सारा आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अब कहां से आपका वीडियो को यूट्यूब वायरल करवाएगा, एकदम ध्यान समझिएगा। और इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका वीडियो वायरल 100% हो जाने वाला है। आपको क्या करना है, तीसरे नंबर पर जो म्यूजिक का ऑप्शन आ रहा है ना, आपको यहां पर क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे देखो यहां पर इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको थोड़ा सा यहां पर नीचे जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है। यहां पर क्या लिख के दिखाई दे रहा है, टॉप 100 म्यूजिक वीडियो इंडिया, यानी कि जो वीडियो यहां पर दिखाई दे रहा है ना, इंडिया का ही वीडियो है, ठीक है, ट्रेंडिंग में। इससे आपको कोई मतलब नहीं, थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहां पर क्या आ रहा है, टॉप 100 सॉन्ग इंडिया, ये इंडिया का टॉप सॉन्ग है ना वो दिखाई दे रहा है। इससे भी कोई मतलब नहीं, यहां से भी आपका शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं होगा। थोड़ा और नीचे आ जाना, यहां पर आपको एक ये ऑप्शन मिलेगा, टॉप 100 सॉन्ग ग्लोबल। जब ग्लोबल लिख के आएगा ना, इसका मतलब यह है कि पूरे वर्ल्ड में जो 100 सॉन्ग है ना, जो रैंक कर रहा है, जिससे लोगों का शॉर्ट वीडियो वायरल हो रहा है, वो वाला यहां पर ऑप्शन मिल चुका है। अब यही से आपका शॉर्ट वीडियो वायरल होने वाला, कैसे वायरल होगा ध्यान से देख लो, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे ना, तो एक नंबर पर ये वाला सॉन्ग है, ठीक है, जो भी ट्रेंडिंग में इस सॉन्ग को यूज करोगे ना, तो आपके वीडियो में 100 मिलियन, 200 मिलियन इस तरीके से व्यू आएगा। आपको यकीन नहीं हो रहा है, देख लो इस वीडियो में कितना व्यू है, 552 मिलियन, ठीक है, इसीलिए एक नंबर में पूरे वर्ल्ड में ये रैंक कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देते हैं, वॉइस को कम कर दिए। अब यहां पर ध्यान समझिएगा, देखो इसके टाइटल पे क्लिक कर दिए और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे देखो इस वीडियो को, इस सॉन्ग को यूज करके लोग अपने वीडियो को किस तरह से वायरल करवा रहे हैं, 236 मिलियन, 233 मिलियन, 171 मिलियन,
देखो उसको व्यू ऑल पे कर देते हैं। देखो बहुत सारे लोग वीडियो बनाए हुए हैं और यहाँ पर 200 मिलियन 100 मिलियन आपको व्यू दिखाई दे रहा है। देख लो लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, कोई भी ऐसा वीडियो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा जिस पे 10 मिलियन व्यू से कम आया हुआ है। अगर इस ट्रिक को अगर आप भी लगाकर वीडियो को अपलोड करोगे ना तो आपको भी 100% वीडियो वायरल हो जाएगा। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये वाला जो सॉन्ग है एक नंबर पे, जब आप आओगे तो हो सकता है ये वाला सॉन्ग एक नंबर पे आ जाए, कोई और सॉन्ग एक नंबर पे आ जाए, इसलिए आपको एक नंबर पे जो सॉन्ग रहेगा उसी से आपका वीडियो जल्दी वायरल होगा। ठीक है, देख लो दूसरे नंबर पे ये वाला सॉन्ग है, इसको भी लोग यूज करके देखो व्यूज के साथ आ रहे हैं मिलियंस में, देखो 10 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन इस तरीके से व्यू आ रहा है। लेकिन एक नंबर पे जो वीडियो रहेगा आपको उस पर जाना है और यहां से आपको अपने वीडियो को वायरल करना है। कैसे वायरल करना है ध्यान समझ लो, आपको दिखा देते हैं। देखो यहां से कट करिएगा, कट करने के बाद साइड में थोड़ा सा आओगे यहाँ पर, तो इस तरीके से आपको टाइटल पे क्लिक कर देना है। टाइटल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर जो वीडियो बना रहे हैं इस पे आ जाइएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यूज दिस साउंड का, क्या रहा है यूज दिस साउंड का, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे ना इस जगह पे आ जाओगे, आपको यहाँ पर गैलरी पे चल जाना है और गैलरी पे जाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको 100 वीडियो को गैलरी से सिलेक्ट करना है जिस वीडियो को आप वायरल करना चाहते हो। तो यहाँ पर देखो मैं 100 वीडियो को सिलेक्ट कर लिया हूँ, आप क्या करोगे यहाँ से इसको डन कर देंगे। डन करोगे देखो प्रोसेसिंग चल रहा है, अब इस प्रोसेसिंग को आपको 100% कंप्लीट होने देना है। अगर इसको कंप्लीट नहीं होने दोगे ना, स्किप कर दोगे ना, तो आपका वीडियो फिल्टर नहीं हो पाएगा, इसको आपको 100% होने देना है। दोस्तों जैसे प्रोसेसिंग 100% कंप्लीट हो जाएगा आप लोग यहाँ पर आ जाओगे। दोस्तों जो ट्रेंडिंग सॉन्ग को हम लोग यूज किए थे जिसपे 552 मिलियन व्यू था, देखो उसका टैग हमारे वीडियो पर लग चुका है। जब आपके वीडियो पर टैग लग जाएगा ना तो समझ जाना कि आपका वीडियो वायरल होने वाला है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग को यहाँ पर डर लग रहा होगा कि मैं सॉन्ग को यूज किया मेरे वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा या तो क्लेम आ जाएगा, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आएगा। अगर आप चाहते हो ऐसा कुछ भी ना आपके वीडियो पर, तो आपको एक ट्रिक यहाँ पर और लगा देना है, तो ध्यान समझ लो। देखो ऊपर में यहाँ पर आपको ना एक यहाँ पर एरो दिखा दे रहा है वाला, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। देखो यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन आ गया, अब यहाँ पर आपको दो काम करना, क्या करना है जो आपका जो ओरिजिनली जो ये वीडियो चल रहा है ना इसको वॉल्यूम को आपको 100 कर देना है। 100 कर दोगे फुल कर दोगे आपका वीडियो का 100% यहाँ पर वॉल्यूम हो चुका है। उसके बाद जो अभी हम लोग ट्रेंडिंग सॉन्ग यूज किए थे उसका वॉल्यूम को क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, जीरो। अब यहाँ पर सही टिक कर देंगे, अब यहाँ पर नहीं आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, नहीं क्लेम आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि हम लोग सॉन्ग यूज किए हैं, टैग तो लगा हुआ है लेकिन ये सॉन्ग इस वीडियो के अंदर सुनाई नहीं देगा। इतना काम आपको करने बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करोगे आप लोग यहाँ पर आ जाओगे। अब यहीं पर आप लोग गलती करते हो जिससे आपका वीडियो वायरल नहीं होता है। अब इस जगह पे आपको एक एक चीज को एकदम ध्यान से देखना है। कैसे, देखो सबसे पहले पेंसिंग लोगो पे क्लिक करिएगा, क्लिक करने बाद यहाँ पर आपको एक अच्छा सा शॉर्ट कवर सिलेक्ट करना है जिसको देखने बाद लोग क्लिक करें। देखो ये वाला शॉर्ट कवर सिलेक्ट किए, इसको देखने बाद लोग ज्यादा क्लिक करेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। अब इसी के हिसाब से यहाँ पर मेरे को शॉर्ट वीडियो को वायरल करने में 99% हाफ टाइटल का ही होता है। आपको टाइटल में सब कुछ करना है। कैसे टाइटल बनाना है ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। एक चीज को यहाँ पर देखो, मैं एक टाइटल बनाकर रखा हूं, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखा हूं ध्यान समझिएगा, यहाँ पर मैं लिखा हूँ अचानक बच्चों के सामने राक्षस आ गया। ऐसा मैं क्यों लिखा हूँ, यहाँ पर देखो जो शॉर्ट कवर आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस शॉर्ट कवर में क्या दिखाई दे रहा है, दो बच्चे हैं और दो बच्चे के सामने एक राक्षस आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, अचानक बच्चों के सामने राक्षस आ गया। अब लोग सोचेंगे ना भाई कि राक्षस दो बच्चे के सामने आ गया तो क्या हुआ। अब इस टाइटल को थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है ध्यान समझ लो। यहाँ पर देखो टाइटल में ही मैं इमोजी का यूज करूंगा, आपको भी अपने टाइटल के हिसाब से इमोजी का यूज करना है। देखो यहाँ पर रोने वाला इमोजी इसलिए यूज किया हूँ कि लोग सोचेंगे ना साधु राक्षस दोनों बच्चे को मार दिया है, इसलिए रोने वाला इमोजी यूज किए, इससे आपके वीडियो को लोग ज्यादा देखेंगे। ठीक है, तो देखो जिस तरह का इमोजी में लगा रहा हूँ ना, इस तरह का आपको इमोजी का यूज अपने टाइटल में करना है। ठीक है, देखो मैं अपने टाइटल के हिसाब से इमोजी का यूज किया हूँ, मेरा टाइटल बन के यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब दोस्तों मेन और इंपॉर्टेंट हैशटैग लगाने का बताऊंगा और इसमें एक सीक्रेट ट्रिक लगाने का बताऊंगा, दो चीजें और करना है और आपका ये वीडियो वायरल हो जाएगा। देख लो आपको कैसे दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे जो पहला हैशटैग आपको लगाना है वह शॉर्ट्स, उसके बाद जो दूसरा हैशटैग लगाना है अभी टाइम पे वह है शॉर्ट फीड। क्या लगाना है, शॉर्ट फीड, दो हैशटैग लगाए, उसके ज्यादा कुछ भी नहीं लगाए। अब दोस्तों मेन और इंपॉर्टेंट चीज, आपको एड्रेस लगाना है। यहाँ पर हैशटैग का काम खत्म हो चुका है, अब आपको एड्रेस लगाना है। एड्रेस लगाने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है मिस्टर MR, बस मिस्टर लिखोगे यहाँ पर ना, यहाँ पर देखो एक रिकमेंड करेगा यूट्यूब खुद, यहाँ पर 225 मिलियन सब्सक्राइबर है मिस्टर बीस्ट। आपको अगर इसको मेंशन कर दिया ना तो आपका वीडियो 100% वायरल हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, मिस्टर बीस्ट को यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देखो यहाँ पर मेंशन हो चुका है। इतना काम आपको कर लेना है। अब आप सोच रहे होगे ना इस वीडियो को पब्लिश कर देते हो, दोस्तों यहाँ पर गलती मत करना है। यहाँ पर वीडियो को पब्लिश नहीं करना है, अनलिस्टेड भी नहीं करना है, प्राइवेट भी नहीं करना है। अब करना है तो क्या करना है, अब यूट्यूब खुद बताएगा। ठीक है, कैसे आपको दिखाते हैं, आपको आ जाना है YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर। आ जाओगे यहाँ पर देखो शॉर्ट का जो सेक्शन है उसको आप लोग ऑन कर लीजिएगा। अगर आपके वीडियो पे 1000 व्यू आया होगा ना, उस वीडियो से भी पता कर सकते हो कि आपको कैसे वीडियो को पब्लिश करना है। ठीक है, देखो मेरे ये सारा वीडियो यहाँ पर आ चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ऊपर में शॉर्ट बाई का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आपको शॉर्ट बाई पे क्लिक करना है और यहाँ पर मोस्ट व्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जो आपके चैनल पे जो सबसे ज्यादा व्यू लेके आया होगा शॉर्ट व्यू ना, वो ऊपर में दिखेगा। देखो ये सारे वीडियो पे यहाँ पे देखो लाखों में व्यू है। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पर क्या करना, अगर सोचोगे कि इतना ज्यादा व्यू रहेगा तभी पता कर
पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके वीडियो पे 1000 व्यू भी रहेगा ना, तो आप लोग पता कर सकते हो कि आपको किस टाइम पे वीडियो को पब्लिश करना है। कैसे, जैसे कि मान लो इस वीडियो पे हम क्लिक कर देते हैं, इस वीडियो को व्यूज कितना है 1,55,000, इस वीडियो पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, आपको इस तरीके से थोड़ा सा नीचे आ जाना है, यहाँ पर रियल टाइम का ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर 48 आवर्स में आप लोग आ जाना है। यहाँ पर आपको देखना है जो यहाँ पर लाइन दिखाई दे रहा है ना, इस तरह से लाइनिंग, ये लाइनिंग सबसे ऊपर कहाँ पर है, देखो ये वाला लाइन सबसे ऊपर है। यहाँ पर क्या बता रहा है, टाइम और डेट क्या बता रहा है, 13:30, यानी कि 1:30 का टाइम हमको मिला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद और देखना है कि इसके बाद कौन सा टाइमिंग यहाँ पर बता रहा है, तो इसके बाद यहाँ पर देखो इधर में ये वाला लाइन ऊपर में दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्या रहा है, 10:30, तो यहाँ पर 2 टाइम हमको मिल चुका है। अब आपको जो टाइम सही लगे उस पर पब्लिश कर देना और आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो सबसे ऊंचा ये वाला लाइन है, 13:30, यानी कि 1:30 का टाइम मिला है। हम लोग आ जाएंगे यूट्यूब पर, यूट्यूब पर आ गए, अब यहाँ पर शेड्यूल पर चल जाएंगे। शेड्यूल पर जाके आज का यहाँ पर कल का डेट लगा देते हैं और यहाँ पर 13:00 यानी कि 1:30 का टाइम लगा दिए हैं। और यहाँ पीएम भी, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देख लेना, यहाँ पर पीएम लगाना है, ठीक है। इस तरीके से देखो यहाँ पर पीएम लगा देते हैं, ओके कर देते हैं और इतना काम करके इसको अपलोड शॉर्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब ये वीडियो देखो जिस तरह से लोग वायरल करवा रहे हैं ना, 200 मिलियन 131 मिलियन 90 मिलियन, मतलब यहाँ पर जिस तरह से वीडियो लोगों का वायरल हो रहा है उसी तरीके से आपका वीडियो वायरल होगा और सही समय पर वीडियो पब्लिश हो जाएगा ऑटोमेटिक। और पब्लिश होती है आपका वीडियो इसी तरीके से व्यू लेकर आएगा जैसे ये सारा वीडियो व्यू लेकर आया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं कमाल सा फ्रेश वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में।